गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई प्रकार की क्लास उपलब्ध हो सके। आज का अपना लेसन रहेगा अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। यानी कि इस प्रकार के कुछ पशु परजीवी पाए जाते हैं, एनिमल पैरासाइट होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और आर्थिक महत्व इसका क्या है के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज अपन पिस्सू के बारे में है वो आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। पिस्सू का वैज्ञानिक नाम है पुलेक्स इरिटेंस और दूसरा वैज्ञानिक नाम है वो है जिनोफिला कियोप्सिस। ये छोटा बिना पंखों वाला संघ ऑर्थोपोडा गण साइनोप्टेरा सदस्य का कीट है। ये पक्षियों एवं स्तनधारियों का प्राय भूरे रंग का बाह्य परजीवी है जो अपने मेजबान का रक्त चूसता है। ये व्यस्क 3 से 5 mm लंबाई के होते हैं। अपनी पिछली टांगों की सहायता से ये अपने शरीर की लंबाई से 50 गुना कूद सकता है, क्योंकि इसकी टांगें हैं वो लंबी होती है। पूरे विश्व में इसकी लगभग 2500 तरह की अलग अलग जातियों का वर्णन है वो किया जा चुका है, मतलब इतनी संख्या में देखने को मिलते हैं। इसके मुखांग चुबाने और चूसने वाले होते हैं। इनका शरीर स्क्लेराइट नामक कठोर प्लेटों से ढका रहता है। नेत्र इसमें संयुक्त होती है। सिर्व वक्ष छोटा लेकिन उदर बड़ा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। पैर इसके लंबे होते हैं, पिछले पैर कूदने हेतु अनुकूलित होते हैं, जो आपको जो सबसे ज़्यादा लंबे दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, ये जिससे ये 18 सेंटीमीटर ऊंची एवं 33 सेंटीमीटर लंबी सलांग भी लगा सकता है। रूपांतरण यानी कि कायांतरण पूर्ण होता है और पूर्ण कायांतरण का मतलब हुआ कि अंडा लार्वा और लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्का अवस्था इसमें आती है, तो ये होता है पूर्ण कायांतरण। यदि इसमें से अंडे से लार्वा बना और लार्वा से सीधा वयस्क बनता है, प्यूपा नहीं बनता है, एक अवस्था अनुपस्थित रहती है, तो इसका रूपांतरण या कायांतरण मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, इनकम्प्लीट। तो पिस्सू में पूर्ण प्रकार का कायांतरण देखने को मिलता है। जीवन चक्र में अंडा लार्वा प्यूपा एवं वयस्क अवस्थाएं पाई जाती है, मीन्स पूर्ण कायांतरण होता है। नर एवं मादा पिस्सू रक्त रूपी भोजन प्राप्ति बिना जनन करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि बिना भोजन ग्रहण किए ये अपना जनन की क्रिया को नहीं कर पाते है। पिस्सू का आर्थिक महत्व, ये गर्म खून वाले कशेरुकियों जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, पक्षी, गिलहरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अपने मुखांग चुबाकर रक्त चूसता है। इसके काटने पर मच्छर के काटने के समान निशान बन जाता है। तत्पश्चात सूजन के साथ खुजली चलती है। बाद में चमड़ी पर सहन न करने जैसी एलर्जी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। त्वचा में कुछ सप्ताहों तक खुरदरी परपड़ी युक्त सड़न बनी रहती है। बार बार पिस्सू के काटे जाने पर बालों का झड़ना एवं रक्तालपता का कारण बनता है।
पालतू पशु गाय भैंस भेड़ बकरी एवं मुर्गियां इससे प्रभावित होने पर आर्थिक नुकसान के साथ लाखों रुपए का चिकित्सा व्यय भी बढ़ जाता, यानी कि आर्थिक रूप से इसका कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं है, यानी कि ये पालतू पशुओं का एक हानिकारक कीट माना जाता है जो इनको काफ़ी मात्रा में क्षति पहुँचाता है। ये बीमारी पैदा करने वाले विषाणुओं एवं जीवाणुओं का मानव एवं पशुओं में वाहक वेक्टर के रूप में कार्य भी करता है, यानी कि ये बीमारी पैदा करने वाला एक कीट है जो रोगजनक विषाणु और जीवाणुओं को मानव और पशुओं तक पहुंचाने का काम करता। जैसे ही कोई विषाणु या वायरस आएगा और इस पशु के ऊपर चिपक करके एक पशु से दूसरे पशु में, एक मानव से दूसरे मानव में ये रोग को संचरित करने का कार्य भी करता है। पिशु द्वारा प्लेग बीमारी का जीवाणु जब काले चूहे यानी रेट्स को काटे जाने पर पहुंच जाता है तो ये बीमारी महामारी का रूप धारण कर लेती। विश्व भर में इस बीमारी से मानव आबादी का अधिकांश हिस्सा अतीत में मारा गया था। सन 1343 एवं 1353 में यूरोप की एक तिहाई मानव आबादी प्लेग रोग के कारण कम हो गई थी। तो इस प्रकार की महामारियां फैलाने में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से इसका कोई आर्थिक महत्व इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है नहीं, बल्कि ये मानव में पालतू पशुओं में रोग एवं बीमारी फैलाने का कार्य संपादित करता है। टोटली टोटल हानिकारक कीट माना जाता है। ओके, थैंक यू।